हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग ट्यूटोरियल। आज हम ये डिज़ाइनर फ्रंट पैनल कुर्ती बनाएंगे। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे और कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो लेंथ में ले रही हूँ 43 इंच। यहाँ पर शोल्डर का हाफ लेंगे तो मैं ले रही हूँ 7 इंच। आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 7 इंच। और इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 14 पे वेस्ट लाइन और 21 पे हिप लाइन मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेना है तो मैं चेस्ट का 4th पार्ट ले रही हूँ 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा। यहाँ पर वेस्ट का 4th पार्ट लेना है तो मैं वेस्ट का 4th पार्ट ले रही हूँ 7.5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसी तरह मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हिप का 4th पार्ट ले रही हूँ 9.5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। नीचे बॉटम में हम घेर रखेंगे तो ये पूरा घेर लेंगे, ये है 18 इंच। सभी मार्क्स को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह और आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये होगा बैक आर्म होल और हाफ इंच अंदर लेंगे और इस तरह क्रॉस में लाइन ज्वाइन करेंगे। अंदर से हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये होगा फ्रंट आर्म होल। अब नेक विड्थ लेंगे तो नेक विड्थ है 3 इंच। बैक नेक डिप ले रही हूँ मैं 3 इंच और फ्रंट नेक डिप ले रही हूँ मैं 5.5 इंच। अब यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे एक तरह और राउंड नेक ड्रॉ करेंगे। इस तरह और शोल्डर से हाफ इंच डाउन लेंगे और उसे क्रॉस में इस तरह नेक लाइन के पास ज्वाइन कर देंगे। बॉटम से भी 3 इंच ऊपर लेंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह। अब इसकी मार्किंग हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने कटिंग कर ली है और बैक नेक भी कट कर लिया है। अब बैक पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को सेंटर में से कट करेंगे और इस तरह 2 पार्ट्स कर लेंगे। बीच में पैनल बनाएंगे तो पैनल बनाने के लिए मैंने ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई है 10 इंच और इसकी लेंथ है हमारी कुर्ती जितनी हमारी कुर्ती की लेंथ है उतनी इस फैब्रिक की लेंथ है। स्लीव्स कट करेंगे तो स्लीव्स की लेंथ ले रही हूँ मैं 15 इंच और इस तरह मार्क करेंगे 15 इंच पे। ओपन साइड से 3 इंच लेंगे डाउन और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आर्म होल ले रही हूँ मैं 7.5 इंच और स्लीव बॉटम ले रही हूँ मैं 5 इंच। इसे इस तरह ज्वाइन कर लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे 1.5 से 2 इंच। अब यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे ये इस तरह और इसकी कटिंग कर लेंगे। कर ली है। अब फ्रंट आर्म होल शेप कट करेंगे इस तरह। अब आगे हम पैटर्न बनाएंगे तो पैटर्न बनाने के लिए मैंने ये लिया है प्रिंटेड फैब्रिक। ये डबल फोल्ड लिया है मैंने
इसकी लेंथ है 5 इंच। इस तरह हम इसे जॉइन करेंगे। अब हम कुर्ती स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर पार्ट में हम 10 इंच तक मार्क करेंगे और यहाँ पर ये पॉटली बटन्स बनाए हैं मैंने प्रिंटेड फैब्रिक से ही, ये हम यहाँ पर अटैच करेंगे। ये इस तरह हम रखेंगे इन बटन्स को और इस तरह हम सारे बटन यहाँ पर अटैच कर लेंगे, इक्वल गैप रखेंगे इस तरह। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे इस तरह और इसके ऊपर ये प्रिंटेड पार्ट को रखेंगे हम उल्टा इस तरह और इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह मैंने ये एक पार्ट तरह ये एक पार्ट जॉइंट हो गया है। अब हम दूसरी साइड दूसरा पार्ट जॉइन करेंगे, इसे भी इस तरह रखेंगे और इसे भी इस तरह स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे इस तरह। अब सेंटर में 10 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों पार्ट्स को इस लाइन से मिलाएंगे इस तरह। इस तरह हम इस लाइन को दोनों लाइन को मिला के और 10 इंच तक इसे स्टिच कर लेंगे। तो पहले हम ये पार्ट लेंगे, इसे इस तरह सेंटर में रखेंगे और इसे स्टिच करेंगे। दूसरे पार्ट को इसके साइड में रखेंगे और इसे भी हम इस तरह रख के स्टिच कर लेंगे। इस तरह हमने ये 10 इंच तक ज्वाइन कर दिया है। देखिए फ्रंट में एक नेक डिज़ाइन बन गया है और हमारी फ्रंट पैनल भी बन गई है। शोल्डर ज्वाइन करके नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए मैंने उरेक पट्टी ली है, इसे इस तरह फोल्ड करके शोल्डर पे रखेंगे और इसे पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे। पट्टी को हल्का हल्का खींचेंगे ताकि हमारा राउंड नेक परफेक्ट शेप में बने। और नेक के पास छोटे छोटे कट लगाएंगे, हमारी सिलाई ना कटे इस तरह। और पट्टी को इस तरह अंदर फोल्ड करेंगे और इसे इस तरह फोल्ड करके राउंड में स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह नेक रेडी है हमारा। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। तो आगे हम पहले पैटर्न बनाएंगे। तो ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है मैंने, इसे फोल्ड करेंगे इसे और दोनों साइड से इसे स्टिच कर लेंगे। अब इसे सीधा करेंगे और अच्छी तरह से हम इसे प्रेस कर लेंगे हाथ से और फोल्ड करके हम इसे सेंटर में से कट कर लेंगे। ये दो पार्ट हो गए हैं इसके। इस तरह अब हम इसे स्लीव में जॉइंट करेंगे।
दोनों पार्ट को रखेंगे बॉटम में इस तरह, और इसे इस तरह रख के इसे जॉइन कर लेंगे यहाँ पे। इस तरह जॉइंट हो गया है। अब हम एक यहाँ पे टॉप स्टिच भी लगा देंगे। और ये इस तरह हमारी स्लीव रेडी है। इसी तरह मैंने दूसरी स्लीव भी रेडी कर ली है। तरह रखेंगे और स्लीव ज्वाइन करेंगे। दूसरी साइड हम दूसरी स्लीव भी ज्वाइन कर लेंगे और दोनों साइड फिटिंग मार्किंग करके साइड ज्वाइन कर लेंगे बॉटम तक। और बॉटम में से हम बस इसे फोल्ड करेंगे और पूरे राउंड में इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह फोल्ड करेंगे और राउंड में इसे पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे। इस तरह हमारी कुर्ती रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बीच में जरूरी हो